हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड टाइटल से शायद आपको पता चली होगा, भाई आज की वीडियो में हम फाइनली अपनी वरना की ग्रिल चेंज कराने वाले हैं। इस टाइम पे ना वरना की ग्रिल हो रखी है ओनली वन इन इंडिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। भाई ये देख लो, आपको पता ही है इसमें क्रोम ग्रिल आती है, बट आपके यार ने ना पेंट कराया था और पेंट उतर चुका है ब्लैक। ये देख लो वापिस से क्रोम, तो ड्यूल शेड हो रखी है। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये समझ लो इतनी ना खास इसकी लुक आती नहीं है के, क्योंकि अब ड्यूल शेड हो रखी है। तो मैं सोचा यार फाइनली अब चेंज हम करा ही देते हैं। और इसके लिए ऐसे नहीं है कि भाई करोल बाग जा रहा हूं मैं, मैंने ना चंडीगढ़ में ही जुगाड़ लगाया है, अरेंज करवा दी है। एंड तभी भाई 9:54 सुबह निकल रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम लगे। और अगर नहीं पसंद आई तो भाई ये ग्रिल तो मैं वापस लेके ही आऊंगा। जो भी कार के ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं ना भाई, जब भी आप कुछ मॉडिफिकेशन कराते हो तो रख लिया करो अपने पास, क्योंकि इन फ्यूचर काम आ ही जाते हैं। अगर नहीं पसंद आई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वापस से लगवा लेंगे यार, यही हो सकता है। बट ठीक है, एक चेंज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड आखिरी कुछ वीडियोस में भी ना यही था कि भाई इसकी ग्रिल चेंज करा लो, कैसी ग्रिल हो चुकी है शो नहीं आ रही। तो मैं सोचा अब बढ़िया सी ही एक ग्रिल लगा लेते हैं, देखते हैं उधर कौन सी ग्रिल होगी कौन सी नहीं। मुझे तो पता नहीं, बस मैंने बोल दिया था कि भाई जो वरना ही ग्रिल आती है बढ़िया सी वो आप अरेंज करा दो। तो कल बात हुई कि आ चुकी है, बट कल हो गई थी शाम, तो शाम को क्या ही जाता, मैं कब चलते हैं सुबह जल्दी, शाम को भीड़ बहुत होती है, बेल्ट भी पहन लेते हैं। एंड गैस करो भाई कौन सी ग्रिल लगवा रहा हूँ, टर्बो वाली या फिर जो आती है ना विदाउट लोगो वाली, वो भी एस्थेटिक लगती है। टर्बो वाली भी बढ़िया लगती है, बट अरेंज भाई क्या ही बोलूं। चलो देखना आपकी कौन सी ग्रिल है, वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना। और कमेंट सेक्शन में ना जो मेरे भाई दिल्ली से देख रहे हैं, जब मैं आपको प्राइस बताऊंगा ना बताना कि भाई दिल्ली में क्या प्राइस है। इधर आई नो थोड़ा बहुत महंगा तो होगा, बट यार एक बात है, जो इधर का काम है ना इसमें संतुष्टि तो है। दिल्ली के काम में कुछ बिगड़ जाए तो चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ काम सही कराने। तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बेकार एक्सपीरियंस ही रहा है मेरा तो अभी तक दिल्ली का। एंड दी रियल ओजी सब्सक्राइबर्स नो, जिस दिन मैं कैब पहनता हूँ मतलब नहाया नहीं हूँ। चलो भाई बातों में पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। वेलकम टू चंडीगढ़। फिर क्या हाल है जी? बढ़िया, बहुत टाइम बाद दिखे। बढ़िया बढ़िया। और जिमनी कब आ रही है आपकी? क्यों कैंसिल? कैंसिल होगी? अच्छा थारी बढ़िया लगी भाई, ये तो है ना। अगर 10 लाख तक की आती फिर तो तू अभी दो खड़ा देता। भाई वो दे काफला छोड़, कैमरा फोन अंदर रख देते हैं। ये देखो भाई, ये होता है रीजन सुबह आने का। खाली मार्केट देख रहे हो, पार्किंग दुकान के सामने ही हमें मिल गई। अब जल्दी से चलते हैं और लगवाते हैं ग्रिल। मेन दिक्कत है क्या आएगी भाई ग्रिल में, नंबर प्लेट की। वो पहले क्लियर करेंगे कि भाई नंबर प्लेट लग जाएगी ना, ऐसा ना हो कि नंबर प्लेट ना लगे, चंडीगढ़ है भाई चलान होएगा। चलो भाई ग्रिल हमने फाइनल कर ली है, अब आपको दिखाता हूँ कि कौन सी ग्रिल है। बट यस प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ। और ये देख लो इंजन पे, ये कह रहा था मैं तेरे को भाई। हाँ अब जब कंपनी में साफ होती है ना भाई, मैं तभी साफ कराता हूँ, क्योंकि हाई प्रेशर आपको पता है कुछ ना कुछ बिगड़ जाए इसका, वैसे इसके फ्यूज उड़ जाते हैं। लिंक चढ़ने के लिए दिया था ये। अच्छा अभी फिर से लगेगा ये? नहीं लगेगा अब, वो पुरानी ग्रिल में लगता होगा। अच्छा गुद्दा है क्या है? गुद्दा रेडलिंग जाने के लिए है, गुद्दा। अच्छा हाँ वो थर्माकोल टाइप, बस अभी ये चल अभी तो रख ही देंगे हम तो, तो बाद में हाँ, कभी बाद में कभी लगवानी पड़ जाए वापस। ये देख लो भाई ये जुगाड़ होता है, पूरा बम्पर आपका खुलता ही है तभी लगेगी ये। और भाई ये पहली बार अपनी कार का बम्पर खुले, एंड आई होप ये लास्ट टाइम ही हो। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो ऑब्वियस बात है खोलना पड़ेगा एक और बार, इन फ्यूचर ग्रिल वापस हम चेंज करा देंगे। और हाँ जो रेट मुझे कल पता चले थे ना कॉल पे, वो अलग थे, आज अलग हो चुके हैं, मतलब इंक्रीज हो चुके हैं। बट 600-700 का डिफरेंस आया, मैंने सोचा अब आया हूँ तो लगवा ही लेता हूँ यार, खत्म करते हैं। ओखी है निकालनी भाई ये, है ना? कितने सारे लोग हैं नीचे। ओ ये कंपनी की चीज तो कंपनी की चीज है, लेट्स सी ये कैसे डलती है भाई। वो तो मिल ही नहीं रही इधर, अब वही है कि दिल्ली जाओ तो मिल जाए शायद से, बट इधर नहीं मिल रही, हुंडई में नहीं मिल रही। वो कहते चेसी नंबर लाओ टर्बो का, मैंने कहीं से जुगाड़ भी कर दिया। हाँ कि तभी वो पार्ट आ जाते हैं ना उनके सिस्टम में। अच्छा, अच्छा, तो जुगाड़ करा तो कहते जीरकपुर में कोई जगह बताई, उधर जाओ ये करो वो करो, मैं कहा यार इतना नहीं मिलती। ये देख लो भाई ये है हमारी OEM ग्रिल जो कि निकल चुकी है, और अभी नंबर प्लेट भी इधर से निकलेगी, और पीछे का जुगाड़ भी आप देख लो सारा। भाई गंदी कितनी हो रखी है ये तो बैंड हो गया मेरे डिजायर का। अच्छा मेंबर ही बैंड हो गया था डिजायर का, ऐसे कहाँ पे मारी थी? ऑटो में। ओ यार ऑटो तो भी तगड़े होते हैं भाई। ये देख लो अंदर का हिसाब ये होता है, गंदी कितनी बड़ी है भाई। ग्रिल तो लग चुकी है, बट अब मेन बारी आ जाती है जो आपके मन में भी डाउट होगा कि नंबर प्लेट का क्या सिस्टम रहता है, रिपीट से लगती है नंबर प्लेट या नहीं लगती। पहले तो इधर से निकल जाए, ये देखो
ये लो भाई निकल चुकी है नंबर प्लेट, और जो एक ग्रिल है ना ये हम अपनी वापस रख देंगे, कोई ना ले दूंगा भाई मैं। बट अब मेन बात है लुक तो कैंट आ गई, बट नंबर प्लेट कैसे लगेगी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं 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 इधर नहीं लगेगी, नीचे लगेगी। एक बार कार को पूरा वॉश करा लूं भाई तब मैं आपको लुक दिखाऊंगा कि कैसी आ रही है लुक कैसी नहीं। अभी तो आप देख लो भाई कार कितनी गंदी हो रखी है, बट सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है ना वो नंबर प्लेट की आ रही है, वो नहीं लग रही। चलो भाई नंबर प्लेट भी लग चुकी है और बिल भी पे कर दिया है, मोटा ही बिल कटा है। कल तक थे 2700 रुपए, आज ज्यादा हो गए, बट ठीक है पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। और कार वॉश करा के नंबर प्लेट दिखाता हूँ, ग्रिल दिखाता हूँ। भाई अभी हम साइड में रुके थे, एक भाई मिले पीछे स्कूटी पे आ रहे हैं, स्कूटी से इधर आ रहे थे, उन्होंने रोका। मुझे तो आदत नहीं है भाई इन चीजों की, हम डर गया भैया, हम ऐसा क्या हो गया भाई, किसको ठोक ठोक के आए हम पीछे थे। देखा बहुत ही प्यारे भाई थे, अच्छा लगा मिलके। जैसे मैंने अब आपको बताया था भाई कार को पहले वॉश कराते हैं, मैं आपको लुक भी रिवील करता हूँ। और इस ग्रिल का जो नाम है ना भाई, कोई से कहते हैं ODRS की ग्रिल, तो नाम पर तो मत ही जाना, बट ये प्राइस की बात करूँ 3400 की भाई हमें पड़ी है। कल तक इन्होंने बोला 2700 रुपए की है, 2800 रुपए की है, बट आज भाई 3400 रुपए की। भाई क्या लगता है रेट जेन्युइन है? दिल्ली वही ठीक है, हमने दिल्ली पता कर लिया। हाँ दिल्ली में पता कर लिया, वो कह रहे हैं 2500-2600 तो ठीक है यार। हाँ वही है कि विद फिटिंग भी तो है, दिल्ली में 200-300 फिटिंग के भी एक्स्ट्रा ही लेता है वो बंदा, तो ठीक है अगर 600-700 रुपए महंगी है, बट दिल्ली का चक्कर तो बच गया। और जो लुक आ रही है भाई मुझे तो बढ़िया लग रही है भाई, क्या ही किस्मत है यार, क्या ही किस्मत है बताओ। सारे भरे पड़े हैं ठीक है, टाइम लगेगा 1.5 घंटा, हमने सोचा खाली बैठे भाई इधर गए, कह रहे बाहर बाहर से धुलवाने के 300 रुपए, जबकि सारे इधर है 200 रुपए बाहर बाहर से और अंदर से 500 रुपए। मैंने कहा यार माड़े हाल है भाई, तभी तो तुम खाली बैठे हो। जी आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आए हो, बट मुझे एक ही टेंशन है, आपने वो सिनेमैटिक शॉट देख ही लिए होंगे अगर मैंने डाले हैं, बट यार अभी मैंने लिए नहीं, अभी मैंने लेना है। नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड हो रहा होगा, बट हमने वॉश करा लिए भाई 200 रुपए में। अब बारिश का मौसम हो रहा है भाई, बस बारिश ना है, एक बार मैं शॉर्ट्स ले लूं उसका, चाहे बारिश आ जाए फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो चाहे गंदी हो जाए, बट हाँ जिस चीज के लिए धुलवाई अगर वही काम नहीं हुआ तो बुरा लगता है। बट एनीवे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको कार की लुक कैसी लगी कैसी नहीं। मुझे पर्सनली भाई बहुत ही फ्रेश फ्रेश सी लुक आ रही है, थोड़ी सी समझ लो यूथ साइड अब कार ज्यादा हो चुकी है, मतलब कि अंकलिश वाली लुक चल चुकी है। बट यस मैं वही सोच रहा हूँ अगर स्कीटर्स वगैरह भी होते ना तो वो तो ज्यादा ही एक्सट्रीम ही यूथ साइड चल जाती, जिसे लोग शायद से छपरी लुक भी कहते हैं, बट नहीं भाई अभी पर्सनली मुझे छपरी लुक नहीं लग रही है। अगर आपको लग रही है भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर देना कि हाँ भाई थोड़ी सी छपरी लुक लग रही है, बट मुझे अभी भाई बहुत ही ज्यादा सटल लग रही है। और अभी किससे मेरी बात हो रही थी, अब मैंने प्लान कर लिया भाई मैक्सिमम 1-2 महीने के बाद मैं इसमें रैप करा रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीपीएफ भाई बहुत ही डैमेज हो रखी है। ये देख लो भाई कौन मिला है, क्या हाल है, चेंज करवा दी, नोट होगी चीज सही लग रही है, फ्रेश लुक आ रही है ना बहुत ज्यादा कि कुछ मेजर चेंज कराया हो। एंड यस एक चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, इस ग्रिल में ना 4 नट लगते हैं और जो नीचे है ना वो लॉक लग जाते हैं। एंड नंबर प्लेट की बात करें ना, ये उन्होंने चाइनीज पेज से लगा दिया क्योंकि भाई रिबिट इसमें नहीं लगते अनफॉर्चुनेटली। और ये देख रहे हो हुंडई, ये ना मैं मिटाऊंगा यार, थिनर से मिट जाएगा, ये वाली भी आगे वाली भी बड़ी बेकार सी लुक आ रही है इससे भी, बट ठीक है ये मिटा के थोड़ी लुक इनहेंस हो जाएगी। तो अब आप कहेंगे भाई बंपर पे ये नट वगैरह मतलब होल वगैरह हो जाएगा, बट भाई नीचे से घुसाए हैं तो ऐसे दिखेंगे नहीं। अगर इन फ्यूचर मैंने ग्रिल चेंज करानी होगी ना पुराने वाली, वो भी दिखा देता हूँ भाई, पुरानी वाली ग्रिल भी हमने अंदर ही रख रखी है संभाल के। ये देखिए, ये देखो भाई ये वाला हिसाब किताब है। बाकी तो भाई कार की लुक आप देख ही सकते हो कितनी जबरदस्त आ रही है, क्योंकि जेड ब्लैक हमने कर दिया यानी कि शेड्स लगा दिए हैं। और ये देख लो भाई ब्लैक कार का यही है, अभी वॉश कराई है, अभी से गंदी दिखनी भी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको कह रहा ना रैप चेंज कराने, क्योंकि ये सब चीजें ये देखो स्टोन चिपिंग वगैरह पीपीएफ ना तगड़ी ही डैमेज हो रखी है। भाई कौन सा कलर कराना चाहिए इस पर? पर्पल। पर्पल चंडीगढ़ रहते हैं भाई, बॉन्ड होगी क्या? अच्छा पहले जीरकपुर जाऊं पापा को ये दूं, यही काम रह गया।
मैं पता क्या सोच रहा हूँ भाई, ग्लॉस ब्लैक करा दूं। फिर मतलब मेजर चेंज नहीं आया। कोई ऐसा कलर सोचो भाई जो ज्यादा चटाकेदार ना लगे और पुलिस वाले रोक के ना। पुलिस वाले रोके ही नहीं, कह रहे व्हाइट करा ले, येलो। भाई पागल हो गए हो, ऐसे ऐसे कलर इन कारों पे नहीं सूट करते, सुपर कार्स पे, मतलब की जो महंगी कारें होती है उन पे सूट करते हैं। बट ग्रिल कैसी लग रही है आपको, बढ़िया है भाई लुक तो, मतलब की सिनेमैटिक्स में तो बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। जैसे हमने फोग लाइट भी ऑन कर रखी थी, हाय हाय कर दी वो ये बातें। ओ भाई कह रहे चार छल्ले लगा दो इसे, मर्सिडीज का ना लोगो लगा दो, डिजायर में लगाते हैं लोग। बट ठीक है यार, जो भी हो मुझे ना लुक बढ़िया लग रही है। और स्पेसिफिकली अगर मैं जेड ब्लैक करा लूं, भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, चंडीगढ़ में रह के ना मैंने इतनी मॉडिफिकेशंस को मना कर रखे है ना, क्योंकि चलान इधर इतने हो जाते हैं। अगर मैं चंडीगढ़ में ना रहता, किसी विलेज साइड रहता, नीचे लगी ना ये, क्या कह रहे हो, नंबर प्लेट नीचे लगवाई ना। हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ जी मैं आपको कहता अगर मैं विलेज साइड रहता तो भाई जो मैं इसको बनाता कार को, भाई पूरी चेकिंग कर रहा है मैं वही देख रहा हूँ। तुम्हारे नंबर पे निकल सकती है भाई, इसका मेजर डिसएडवांटेज ही यही है नंबर प्लेट का, मतलब की जो लगी है। जैसे उस दिन मैंने नदी से निकाल दी थी, हाँ नदी से मतलब फ्लड से निकाल दी थी, निकली नहीं थी। अब ये इजीली निकल जाएगी, क्योंकि भाई जो ये है ना, ये है चाइनीज पेज, इनका कुछ भरोसा नहीं है। जहाँ पे चाइना आ गया भरोसा किसी चीज का रहता नहीं है, वो वाला हिसाब किताब है। बट यार अब मेन बात आ जाती है, क्या आप लोगों को ये ग्रिल लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। देखो ये सब आपके ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार को फ्रेश लुक चाहिए, क्योंकि जो ये वाला वरना का मॉडल है आपको पता है पुराना तो थोड़ा हो चुका है, तो आप ये लगवा सकते हो। क्योंकि जो फेसलिफ्ट वाली वरना है, मतलब जो मेरी वाली है, अब जो न्यू आई है वो तो जनरेशन ही चेंज हो चुकी है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। फेसलिफ्ट वाली की ना ग्रिल भी भाई थोड़े टाइम बाद ही आई है मार्केट में, अभी 3-4 महीने हुए हैं मेरे ख्याल से, 2023 में ही आई है, तो आप करा सकते हो। देखो पर्सन टू पर्सन भाई वेरी करती है चीजें, मुझे था कि भाई चेंज करा के पास से करते हैं, अब लुक फ्रेश आ गई है, थोड़ा सा माइंड में ही हो जाता है ठीक है भाई कार नहीं चेंज कर रहे तो लुक चेंज कर लेते हैं कार की विद टाइम, छोटी मोटी चीजें करा लो। जैसे मैं रैप के पैसे भी इकट्ठे करके थोड़े टाइम में रैप चेंज करा लूंगा, तो चलता रहता है ना कि हाँ भाई कार में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, फ्रेश सी लुक आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया इधर बड़ा चक्कर है भाई लीगल वगैरह पे कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के मैं इस पे काम कराता हूँ। बाकी तो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन मुझे इतनी पसंद है ही नहीं, तभी मैंने स्कॉर्पियन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई है, वरना में भी जो मॉडिफिकेशन कराई है आपको पता है भाई क्या कराया है, मतलब कि इसे खुलवाया तो आज तक मैंने है ही नहीं। बंपर जैसे मैंने आपको बताया पहली बार ही खुला है इसका, तो विद टाइम वो ये एक बार वारंटी वगैरह कार की खत्म होती है 3-4 साल की, पता नहीं कितने की है, उसका ट्यून भी कराऊंगा, मतलब कि धीरे धीरे ना इसे प्रोजेक्ट कार में कन्वर्ट में करा ही दूंगा। बट वो ये एक बार वारंटी वगैरह सब कुछ खत्म हो दे, थोड़ी पुरानी हो जाती है ना कार तो इतना मतलब कि जिगरा और ज्यादा खुल जाता है, डर इतना नहीं लगता है। बट एनीवे इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।